नमस्कार, मैं श्रवण यादव, आप देख रहे हैं न्यूज़ शॉर्ट। और जैसा कि जान रहे हैं, बिहार में पॉलिटेक्निक का रिजल्ट आ चुका है और बहुत ही खुशी की बात है कि बिहार से औरंगाबाद की बेटी ने पुनः परचम लहराने का काम किया है, सेकंड पोजीशन पर आकर, लड़कियों में सेकंड पोजीशन पर, और पूरे बिहार से देखा जाए तो 25 नंबर पर है। तो आइए इससे संबंधित इनसे जानते हैं किस तरह से इन्होंने तैयारियाँ की और ये सेकेंड स्थान पर पा करेंगे, कैसा महसूस हो रहा है। क्या नाम हुआ आपका? कविता कुमारी। रोन यादव और न्यूज़ शॉर्ट चैनल की ओर से आपको धन्यवाद देना चाह रहे हैं। थैंक यू सर। पॉलिटेक्निक पर आपने दूसरा स्थान पाया है, कैसा लग रहा है? अभी तो फिलहाल अच्छा लग रहा है, पर मुझे और अच्छा तब लगेगा जब मुझे मेरा मनचाहा कॉलेज मिलेगा। कॉलेज भी मनचाहा के लिए, भी उसके बाद और आपको खुशी मिलेगी। आपने पढ़ाई लिखाई कहाँ से स्टार्ट किया था? 10th तक तो मैं अपने गांव में ही पढ़ी हूँ। कौन सा स्कूल? स्कूल तो मेरा 8th तक मैं अपने गांव में पढ़ी हूँ, अच्छा। राजकीय मध्य विद्यालय ससना में, और फिर 9th 10th 12th प्रोजेक्ट सहदेव से, अच्छा। कन्या कॉलेज विद्यालय से, अच्छा, उसके बाद फिर? और उसके बाद 12th औरंगाबाद सिन्हा कॉलेज से, और यहाँ कोचिंग किए विजन क्लासेस में। यहाँ कोचिंग कब से कर रहे हैं? यहाँ पे कोचिंग 11th में तो लॉकडाउन था, तो 11th लास्ट महीना 3 मंथ यहाँ कोचिंग किए हैं, दिसंबर से अक्टूबर से किए हैं, और फिर पूरा 12th यहीं पढ़े हैं। आपको कब ऐसा लगा कि मुझे इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहिए और कोई दूसरा फील्ड आपने क्यों नहीं सिलेक्ट किया? जब मैं 10th क्लास में थी तो मेरी एक सीनियर दीदी थी, 10th के बाद उन्होंने पॉलिटेक्निक किया था, तभी से हम सोचे कि हम 12th के बाद पॉलिटेक्निक कर रहे हैं। इंटर में आपका कितना स्थान आया था? इंटर में मेरा परसेंट था 86.46। मतलब लगभग अपने क्षेत्र में टॉपर ही थे? हाँ, उसमें भी यहीं सब कोचिंग किए थे। यस सर। तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे मन पसंदीदा कॉलेज नहीं मिलेगा, क्योंकि आप सेकंड पोजीशन पर हैं, फिर आपके मन में डाउट क्यों है? ठीक है, बिहार में तो कौन सा आपका कॉलेज है ऐसा लग रहा है कि जहाँ मुझे जाना चाहिए? कॉलेज पटना में गर्ल्स कॉलेज है, घर में उसी में। और दो तीन ऑप्शन होना चाहिए ना, मान लो वहाँ नहीं मिल पाया, फिर और दो ऑप्शन पटना में ही कोई अच्छा। गया में है, पटना में दो तीन कॉलेज ऐसे हैं। हाँ, अच्छा कॉलेज होना चाहिए। इसका श्रेय आप किन्हें देना चाहिएगा? श्रेय मेरे पेरेंट्स और सर। सबसे ज़्यादा सर आपको कौन सर मानते थे पढ़ाई लिखाई में? सर तो दोनों ही ठीक हैं। दोनों सर काफ़ी मानते हैं? हाँ। दोनों काफ़ी ध्यान देते थे आपके ऊपर? हाँ। क्योंकि आज से मुझे पर ही नहीं, सारे बच्चे पर। क्योंकि आज से मुझे 4 महीने पहले ही आपके सुमित सर हमको बता चुके थे कि हमारे इस कोचिंग से एक लड़की टॉप करने वाली है, और सच में जो ही बोले थे वो बात सच हुआ है। अभी आप कोचिंग करने आए थे तो मुझे भी डाउट था कि रैंक अच्छा आएगा कि नहीं, तो सर मुझे बताए, मतलब कॉन्फिडेंस दिए कि चिंता मत करो, 100 से नीचे ही रैंक आएगा। 100 से कहते हैं, अंडर 10 में, अंडर 5 में आया है। हाँ, और वैसे देखा जाए तो पूरा ऑल ओवर बिहार में 25 है। तो आप अपने आगे चलकर कौन सा सब्जेक्ट चुनना पसंद कीजिएगा? सिविल ब्रांच। सिविल ही क्यों, बहुत सारे और भी हैं? नहीं, मुझे सिविल में इंटरेस्ट है। सिविल में ऐसा क्यों, कुछ ऐसा दो चार कारण बताइए सिविल में आपको जाने का मन कहाँ से हुआ, कोई बोला है या खुद से मन किया? ना, मेरी एक फ्रेंड थी, वो भी सिविल में जाना चाहती थी और सिविल में ही है। मतलब आज देखने के आने वाला समय में सिविल में काफ़ी अच्छा स्कोप है। हाँ। और सिविल वाले सबसे ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। हाँ, तो जैसा कि सेकंड पोजीशन तो आप मिल चुके हैं, लेकिन विजन क्लासेस के और भी स्टूडेंट हैं जैसे आपको हम मिलवा रहे हैं इनसे, इन लोगों ने भी अपना परचम लहराने का काम किया है। क्या नाम हुआ आपका? जी, मोहम्मद समीर आलम। अच्छा, यहीं सब तैयारी किए थे जी? कितना आपका आया है? 5000। पाँच कहाँ का पढ़ने वाले हैं? बारून के ही। बारून कहाँ? सागंज मोहल्ला। अच्छा, आपके पापा को जानकारी हुई कि आप मतलब सिलेक्ट हो चुके हैं? जी। उनका रिएक्शन क्या रहा जब आपको? बहुत अच्छा लगा, उनको खुश हुए हम। धन्यवाद, थैंक यू। आइए देखिए एक और छात्र इनसे भी मिलते हैं। क्या नाम हुआ आपका? शुभम कुमार। आप कहाँ के रहने वाले हैं? सहसपुर, बारून। बारून सहसपुर। पिताजी का नाम क्या हुआ? मधुधर सिंह। आपका कितना है? 207। 207 में। आपका एम्बिशन आगे क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड में जाना है। इलेक्ट्रिक में। और इसका श्रेय सर लोग को? सर लोग को, विकास सर को, और सुमित सर यहाँ पर खड़े हैं उनको भी जाता है। कब से आप कोचिंग कर रहे हैं? कोचिंग तो हम यहाँ से 2 साल पहले से कर रहे हैं। 2 साल पहले से? यस। टॉपर लोग से मिल लिए, लेकिन इन टॉपर को करवाने में किनका योगदान है, किस तरह से ये आज देख रहे हैं झोपड़ी में इतना मेहनत कर करके आज बच्चों को जिस तरह से तराश रहे हैं, आज हम उनसे मिलेंगे विजन क्लासेस के डायरेक्टर विकास सर से। तो स्वागत है सर हमारे चैनल में आपका।
आपका भी धन्यवाद। सबसे पहले तो हमारे तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल के माध्यम से कि जिस तरह से आपने बच्चों को अंदर उमंग जगा दिया पढ़ाई को लेकर के। थैंक्स सर, इसके लिए आपको धन्यवाद बहुत बहुत। आपको मतलब ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे मतलब पैसा के पीछे आप कम और ज़्यादातर सोच रहे कि मेरे बच्चे यहाँ के नाम करें, इसके पीछे रीजन क्या है? देखिए, शिक्षा एक बहुत ही अच्छी चीज़ होती है और शिक्षा के मामले में टीचर का एक ही लक्ष्य होता है कि बच्चे अपने बच्चे को आगे बढ़ाएं, आगे की ओर ले जाएं, और टीचर का मेन मकसद यही होना चाहिए। जैसा कि अभी हर फिल्म देख रहा है कि हर चीज़ आज कॉमर्शियल हो चुका है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा ऐंठना चाह रहे हैं। देखिए, शिक्षा अगर रहेगा तो पैसा हम कभी भी कमा सकते हैं, कभी भी किसी भी क्षेत्र में। अगर शिक्षा नहीं हो तो कहीं नहीं हमें सक्सेसफुल मिलेगा। चलिए, आपके बच्चे काफ़ी टॉप कर रहे हैं, इंटर में भी टॉप किए थे, इससे आपको मतलब कैसा अनुभव हो रहा है? बहुत अनुभव हो रहा है। यहाँ के सभी टीचर को मैं धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि सबका सहयोग होता है तभी हम एक लक्ष्य में मिलता है, और सब टीचरों का यहाँ पर सहयोग है। सुमित सर, बबलू सर, शैलेश सर हो गए, और बहुत सारे यहाँ से टीचर हैं जो बहुत बहुत इनको योगदान रहता है, साथ में साथ मिलाकर चलते हैं और बच्चे लोग को साथ देते हैं। बस इतना था कि समाज में बदलाव लाना है तो आगे बढ़ना पड़ेगा। हम लोग भी पढ़े, बहुत पढ़े, हम लोग भी तैयारी किए और बैच स्टार्ट किए, तो हम लोग अनाउंस किए कि विजन क्लास में जो पढ़ने आएगा उसको फ्री में पढ़ाया जाएगा। फिर भी यहाँ पढ़ने के लिए मात्र 7 बच्चे हैं, जिसमें कविता कुमारी, शोभा कुमारी, अनीता कुमारी, समीर और 3 बच्चे और थे। तो पढ़ाए तो उतना बच्चे तो आए नहीं, क्योंकि बारून का हाल हम लोग जानते हैं। पढ़ने के लिए आए नहीं तो फिर हम लोग पढ़ाना स्टार्ट किए। तो जब जैसे ही टेस्ट लेना स्टार्ट किए तो हम पहले ही दिन बोल दिए थे कि सरवन जी, आपको हम एक इंटरव्यू देंगे। जी, उस इंटरव्यू में आपसे पहले इंटरव्यू आप ही के साथ हमारा हुआ था। आपको हम इंटरव्यू देंगे, एक टॉपर का इंटरव्यू देंगे। तो आज वो समय आया, बात सही हुआ, बता दिए थे पहले ही, आज से 4 महीना पहले ही बता दिया गया था कि सरवन जी, हम आपको इंटरव्यू देंगे और टॉपर का देंगे। अब बोले थे कि बिहार टॉप का देंगे, तो बिहार टॉप तो एक रंग तो नहीं आया, लेकिन दूसरा रंग जरूर आया।